पुलिस को चकमा दे त्राल पहुंचे गिलानी, जनसभा को करेंगे संबोधित। हुर्रियत अध्यक्ष सैयद अली गिलानी शुक्रवार को पुलिस को चकमा देकर दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में स्थित त्राल पहुंच गए। गिलानी वहां नमाज अता करने के बाद एक जनसभा को संबोधित करेंगे। त्राल में हाल ही में पुलिस गोलीबारी में किशोर की मौत होने के बाद स्थिति काफी हिंसक हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस 84 वर्षीय गिलानी के हैदरपोरा स्थित निवास पर उन्हें नजरबंद करने पहुंची, परंतु पुलिस के आने से पहले ही गिलानी त्राल के निकल चुके थे। चीनियों ने बचाया एवरेस्ट के बस कैंप पर फंसे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के पर्वतरोही। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के 20 से ज्यादा पर्वतरोही नेपाल में आए भूकंप के बाद से माउंट एवरेस्ट के बस कैंप पर फंसे हुए थे। इन लोगों की मदद की चाइनीज माउंटेनियरिंग एसोसिएशन ने। शुक्रवार शाम को इन लोगों को ल्हासा के रास्ते भारत लाया जा रहा है। नालगोंजा के रहने वाले शेखर बाबू के नेतृत्व में पर्वतरोहियों की टीम दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर खतरनाक नॉर्थ कॉल की तरफ से चढ़ने की तैयारी में थी, तभी भूकंप आया और हिमस्खलन से वो फंस गए। विवाद पर रामदेव बोले, न बाबा को बच्चा पैदा करना है और न मोदी को। दिव्य फार्मेसी की दवा पुत्र जीवक बीज पर मचे विवाद पर शुक्रवार को योग गुरु बाबा रामदेव ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि आरोप लगाने वालों को दवाई की जानकारी नहीं, ये सिर्फ एक वनस्पति का नाम है और इसका बेटा या बेटी पैदा करने से कोई संबंध नहीं है। रामदेव ने कहा कि आरोप लगाने वाले उन पर लाछन लगाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। चेन्नई सुपर किंग्स से पिछली हार का बदला लेकर कोलकाता नाइट राइडर्स से मारी बाजी। आईपीएल 8 के तीसरे मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स के 166 रनों के जवाब में कोलकाता ने रॉबिन उत्तपा और आंद्रा रसेल के शतकीय साझेदारी के दम पर चेन्नई से पिछली हार का बदला ले ही लिया। एक गेंद और 7 विकेट रहते बाजी मारी। 28 अप्रैल को चेन्नई से उसी के होम ग्राउंड में 2 रनों की शिकस्त खाने के बाद अपने होम ग्राउंड ईडन गार्डन में हार का बदला लिया। अभिनेत्री से छेड़छाड़, फेसबुक ने कराया गिरफ्तार। सोशल मीडिया अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का सशक्त माध्यम है, अब ये माध्यम अपराधियों को ढूंढने में प्रभावी भूमिका निभा रहा है। जी हाँ, कुछ ऐसा ही वाक्य सामने आया है हैदराबाद में। हैदराबाद में पुलिस ने तेलुगु अभिनेत्री अश्मिता से छेड़छाड़ के आरोप में 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। अश्मिता ने अपने फेसबुक पे इन दोनों युवकों की तस्वीर पोस्ट की थी, साथ ही हैदराबाद पुलिस को भी पोस्ट में टैग किया गया था। कुछ दिनों पूर्व तेलुगु अभिनेत्री अश्मिता खरनानी अपनी गाड़ी से कहीं जा रही थी, इस दौरान बाइक सवार 2 युवकों ने उनका रास्ता रोकने की कोशिश की थी। मनीषा राजभर, इंडिया लाइव न्यूज़, मुंबई।